रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सिलेक्शन की डोर को मजबूत करने और इस खुशी के त्योहार पर चार चांद लगाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 31 अगस्त रक्षाबंधन सेल, जहां पर आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजी टेक्स्ट बुक चैनल पर और वेरी गुड मॉर्निंग। आज जो हम हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी करने वाले हैं, जिसमें मेजरली मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी ज्योग्राफी जो कराऊंगा वो क्वेश्चन कराऊंगा जो सब एग्जाम में आते हैं, कवरेज पूरी हो, ठीक है। 101% जो है फंसने वाले सब सारे वही सवाल हैं जो काम के, ठीक है। पहले वीडियो को एक बार ही शेयर करिए, अगर ऑडिबल विजिबल सब कुछ ओके है तो वीडियो को लाइक करिए। गुड मॉर्निंग, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सीधा सीधा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, हमें करने हैं पूरे 1.5 घंटे में, और उसके बाद आज 9 बजे की जगह 9:30 बजे टेस्ट करना। कितने बजे? 9 बजे की जगह 9:30 बजे टेस्ट करना है, क्योंकि टेस्ट तो होना ही है, उसके बिना तो बात नहीं बनती। लेकिन अभी हमें इसमें टाइम लग जाएगा तो हम 9 की जगह 9:30 बजे टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, करेंगे जरूर। टेलीग्राम अमन सर टेस्ट बुक सर्च कर लेना, चैनल और ग्रुप दोनों आएंगे, ठीक है। सर्च करोगे तो चैनल और ग्रुप दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है, दोनों में जुड़ जाना, क्योंकि कंटेंट दोनों में है, क्लासेस से लिंक दोनों में आ जाएगी। अच्छी तैयारी करनी है तो अपॉर्चुनिटी मिस मत करें अगर, और रक्षाबंधन सेल स्टार्ट हो चुकी है, अच्छा खासा सिविल, एजेई, जो भी एग्जाम है भाई, सब में 90% ऑफ मिल रहा है इतनी कम फीस में, कोड अमनदीप लगाने से, मतलब ये अपॉर्चुनिटी है। जब भी देखो, हमारा देश त्योहारों का देश है, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी त्योहारों पर ही मिलती है, आपको पता है, चाहे दिवाली हो या कोई भी ये त्योहार हो, तो भैया आ रहा है तो अपॉर्चुनिटी बैक टू बैक मिल रही है, जब भी मिल रही है उसको यूटिलाइज करो, है ना। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 90% डिस्काउंट पे आपकी फीस कम होगी, नहीं तो ये 4,000 होती है, डिस्काउंट लगने के बाद भी 4,000 होती है, जो आज 2,000 के आसपास की, ठीक है। एक्स्ट्रा 3 मंथ भी मिल रहे हैं इसमें, तो आप इसको और यूटिलाइज कर सकते हैं, आज ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें, है ना। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखो हमें ना एक फुल रिविजन मारना है, हमें ये समझ लो कि हमें पूरी पॉलिटी, पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी का फुल रिवीजन मारना है। आता है नहीं आता है डजंट मैटर, आप हर एक सवाल का जल्दी जल्दी आंसर देंगे, जितना जल्दी आंसर देंगे उतना ज्यादा हम इस पीडीएफ के क्वेश्चन को निपटाएंगे, और ये पीडीएफ ऐसी पीडीएफ है जिसमें से मैक्सिमम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बताइए पहला क्वेश्चन, जस्टिस हमारे देश में जो है इसमें एक रिवीजन समझ लो, संडे को हमेशा मैं कहता हूँ, सैटरडे संडे को जितना पढ़ा होता है ना पूरे एक हफ्ते एक महीने में, वो पढ़िया करो एक बारी दोबारा, तो हम तो आज पूरा ही रिविजन माने। जस्टिस जो है किस किस तरीके का दर्शा रखा है प्रीएम्बल में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, तीनों तरीके के दर्शा रखे हैं। आंसर रैपिड फायर चलेगा आज भाई, आज रैपिड फायर चलेगा, कहानियां कम होंगी आज, ठीक है। सैंडलवुड जो टर्म है ये कौन सी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी फेमस है, पुष्पा, चुकेगा नहीं, उसके आगे मैं बोल नहीं सकता, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा। सैंडलवुड जो इंडस्ट्री है वो कौन सी इंडस्ट्री है, आंसर इस क्वेश्चन का कन्नड़ सिनेमा है, ठीक, कौन सा सिनेमा है, कन्नड़ सिनेमा है। ऑब्वियसली इस पर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सैंडलवुड इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रही है, ठीक है। वैसे भी ना कन्नड़ जो लोकेशन है ना वहां पे चंदन बहुत ज्यादा है, इसी वजह से सैंडलवुड कहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, पहले चोला किंग जिन्होंने श्रीलंका पे कब्जा किया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए, पहले चोला किंग जिन्होंने श्रीलंका पे कब्जा किया था। एक ना एक क्वेश्चन में ना ऑप्शन ये भी आता है, राजा 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 चोला, मतलब नाम ही राजा राजा चोला है, वो भी आता ऑप्शन में, एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आज, उसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले जब भी देखने को मिलेगा आंसर फर्स्ट ही लगाना, राजेंद्र फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है, पूरी रिवीजन मार लो आज जितना हो सकता है, ठीक है, आज टेस्ट करने में फिर और मजा आए। इंसेक्टिवायरस प्लांट कौन सा है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसेक्ट कीट भक्षी पौधा है, जल्दी से बताइए कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है, बताइए आंसर इस क्वेश्चन, कीट भक्षी पौधा कौन सा, पिचर है क्या,
क्या आंसर होगा? पिचर है आंसर इस क्वेश्चन का कि भैया ये एक कीट बक्षी पौधा है, तो आंसर ये इस क्वेश्चन का पिचर, इस क्वेश्चन का आंसर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एस्ट्रॉइड ये टर्म किसके द्वारा दी गई? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है कि एस्ट्रॉइड टर्म किसके द्वारा दी गई, ठीक है। और बहुत सारे प्लेनेट लाइक सैटर्न को किसने खोजा था? कल रात को मैं क्वेश्चन करा था सैटर्न को किसने खोजा था, सेम आंसर था क्या? आंसर इस क्वेश्चन का विलियम हर्शल, ठीक है, ध्यान रखना। एस्ट्रॉइड कहां पे पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, एमजी एस्ट्रॉइड मार्स और जुपिटर के, मरकरी विनस अर्थ मार्स जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में जो लेयर्स आती है उसमें सभी के सभी जो है, ठीक है, एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है इस पर भी, एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा। हाँ जी बताइए, बैटल ऑफ चंदेरा में, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था, कौन से राजा को? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या? पृथ्वीराज चौहान जी के ससुर जी को, है ना? आंसर क्या इस क्वेश्चन का? बैटल ऑफ चंदेरा में, चंदवार में जो ये मोहम्मद गोरी था, इसने किसको हराया था? आंसर क्या इस क्वेश्चन का? राजा जयचंद, ठीक है, राजा जयचंद। राजा जयचंद अगर थोड़ा सा समझदार होता, ठीक है, प्यार से विवाह हो चुका होता, हठी ना होता, तो पृथ्वीराज चौहान जी भी होते तो राजा जयचंद भी होते, है ना। अब राजा जयचंद नहीं रहे, क्या किया जाए। फिर एक और क्वेश्चन देखिए, विष्णुपुर का जो फेमस टेराकोटा टेम्पल है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? टेराकोटा मिट्टी के बनते हैं और ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है, कमेंट करिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है वेस्ट मंगोल, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो हर जगह, ठीक है, एटलीस्ट शेयर करिए सो डैट कि सभी बच्चे जुड़ सकें। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, एस्ट्रॉइड कौन सा है जिसका शेप डॉग बोन शेप है, ठीक, कुत्ते की हड्डी जैसा शेप है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या? चलिए तो आंसर इस क्वेश्चन का 216 किलो पात्रा, इस क्वेश्चन का आंसर। आप में से कौन कौन जो है कल पढ़ा था शाम को 7 बजे, ईमानदारी से बताना, शाम को 7 बजे किसने स्टैटिक जी के पढ़ा था, जिसने पीडीएफ भी ली थी, एक बार यस लिखना, क्योंकि यार देखो कल के स्टैटिक जी के एक फुल रिवीजन था और नए क्वेश्चन का था बहुत सारे, जिसने पढ़ा था यस लिख दो। कल शाम को 7 बजे कौन कौन पढ़ा था, ध्यान रखना। आज मैं शाम को 7 बजे लूसेंट का महा रिविजन कराने वाला हूँ, लूसेंट का महा रिविजन कराने वाला हूँ। वो महा रिविजन कर लोगे तो भला होगा आपका, नहीं पढ़ोगे तो तब भी भला ही होना चाहिए आपका, लेकिन भैया पढ़ लोगे तो असली में होगा, ठीक है, पढ़ना जरूर। 2011 सेंसस क्या कहता है कि सबसे ज्यादा शहरी एरिया कौन सा, हाईएस्ट पॉपुलेशन, सिटी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है कौन से दो शहरों में है, सिटी में कौन से दो शहरों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, क्या आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। चलो मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है सिटी में दिल्ली और मुंबई में है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए धुंधीराज गोविंद जो है ये कौन से लेजेंड से संबंधित है, बताइए धुंधीराज गोविंद कौन से लेजेंड से संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या? तो देखो यार, इनके नाम पे तो इतने बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं इस समय, है ना, धुंधीराज गोविंद जी के नाम पे बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं उस समय। तो आंसर इस क्वेश्चन का दादा साहिब फाल्के, इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इनका असली नाम है, ठीक है, ये दादा साहिब फाल्के तो अवार्ड हम यूज करते हैं लेकिन असली नाम धुंधीराज गोविंद है, ध्यान रखना, इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा नाम है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, द दा विंची कोड ये नोबल किसके द्वारा लिखा गया? यार सुबह सुबह तो एनर्जी रखो कि इतना स्पीड में पढ़ सके हम, सुबह सुबह आपके बैक टू बैक आंसर नहीं आएंगे तो क्या मजा आएगा बताओ, है ना, सोए सोए जाके ऐसे हो रहे हो कि मतलब जैसे कि अभी कुछ खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं हुआ। सच में ब्रेकफास्ट करके आए हो ना सभी? हमने तो नहीं किया क्योंकि हम तो प्लस की क्लास ले रहे थे, 6:30 बजे स्टार्ट किए थे पढ़ाना, है ना, हम तो 10 बजे ही फ्री होंगे अभी, लेकिन आप तो अभी आए होंगे शायद पढ़ने के लिए, पढ़ लो यार, थोड़ा स्पीड एनर्जी, एक बैक टू बैक आंसर आने चाहिए, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, कितनी स्पीड होनी चाहिए। आंसर है डैन ब्राउन, ठीक है, द डेविंची कोड जो नोबल है वो किसके द्वारा लिखा? डैन ब्राउन। हर चीज विलियम शेक्सपियर नहीं लिखेंगे, विलियम शेक्सपियर के भी हाथ हैं जो दुख जाते होंगे, दर्द कर जाते होंगे, भाई इतना कहां से लिख दूं, कुछ तो किसी और को लिखने दो, हर चीज विलियम शेक्सपियर। चलिए बताइए, फेमस इंडियन पेंटर इसमें से कौन है, इसमें से कौन एक प्रसिद्ध पेंटर है, जल्दी से बताइएगा, इसमें से कौन एक प्रसिद्ध पेंटर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, बताइए। फेमस पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन वैसे भी आते हैं, तो एंजेला ना एल मेमन इसमें से पेंटर में, देखो जैसे उदय शंकर फेमस आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट है अलग ही, ठीक है, लेकिन जो एंजेला एल मेमन है ये बहुत प्रसिद्ध जो है पेंटर है। आंसर इस क्वेश्चन का ए, ठीक है, भीमसेन मत लगाओ, भीमसेन जोशी नहीं लगाना था। ये मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अमन सर टेक्स्ट बुक, एक और क्वेश्चन देखिएगा,
क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? बताइए, कल शाम को क्वेश्चन हुआ था इससे संबंधित। बताइए क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? हाँ जी, आंसर क्या है? होता ये भी क्वेश्चन आता है कि भैया क्लाउडेड लेपर्ड जो है किस स्टेट का नेशनल एनिमल है, स्नो लेपर्ड किस स्टेट का नेशनल एनिमल है, ये दोनों पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आंसर ट्राई करो, ट्राई आंसर इस क्वेश्चन का, त्रिपुरा ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है त्रिपुरा में है। ठीक है, फेमस है। मैंने कल आपको मेरे ख्याल से 3-4 फेमस नेशनल पार्क तो मणिपुर के करा दिए थे, जो इम्पोर्टेंट है, लोकतक हो गया, केबुल लमजाओ हो गया, ठीक है, ये सब कराए थे मणिपुर के। एक और क्वेश्चन देखिएगा, फोर्ब्स और डेमोस किसकी सैटेलाइट है? ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन फिक्स आता है कि आपसे कह देता है कि भाई दो पर्टिकुलर सैटेलाइट्स किस किस की है, फोर्ब्स और डेमोस किस किस की सैटेलाइट है, जल्दी से बताइएगा। आपसे हाइड्रा पूछ लेगा, फोर्ब्स डेमोस पूछ लेगा, यूरोपा पूछ लेगा, ग्यारमेट पूछ लेगा, ठीक है, जूलियट पूछ लेगा, ये सारी की सारी सैटेलाइट्स के नाम है, और ये सभी के सभी जो है अलग अलग सैटेलाइट्स के नाम किस किस के बताना चाहिए, तो ये मार्स के हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्लूटो का एक बड़ा फेमस सैटेलाइट था शेरोन, जिसके चक्कर में प्लूटो जो है कैटेगरी से हट गया प्लैनेट की, शेरोन, ध्यान रखिएगा, और ये मार्स की सैटेलाइट है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, द सैपरेंट एंड द रॉक, ये जो किताब है, ये जो नोबल है, ये किसका, कमेंट करिए। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। अगर आप जनरली जी के कवर भी करना चाहते हैं ना फुल ऊर्जा के साथ, आप डेली सुबह 8 बजे आ सकते हैं। शायद कईयों को पता ही नहीं कि सुबह 8 बजे क्लास होती है इस चैनल पे, और पूरा जीएस खत्म कराया जा रहा है, और कब से क्लास चल रही है, आज से भी जुड़ोगे ना तब भी अक्टूबर तक खत्म करा दूंगा, लेकिन 8 बजे की टाइमिंग पे आया करो। ठीक है, आंसर सेपरेट एंड रोप जो है राजा राव के द्वारा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, देखो आप सभी जानते दिल्ली का जो पूरा स्ट्रक्चर है ढांचा, जैसे इंडिया गेट हो गया, प्रेसिडेंट हाउस हो गया, ये सब कुछ जो है एडविन न्यूटन ने बनाया था, जो आज के समय नरेंद्र मोदी के द्वारा बदला भी जा रहा है कि भैया हम ब्रिटिश समुदाय की जो भी प्रतिमाएं उनको हटाएंगे, सब सिस्टम हटा देंगे, नया सिस्टम बैठाएंगे। लेकिन एडविन न्यूटन के साथ किस व्यक्ति ने जो है इसको स्ट्रक्चर किया था, तो मतलब कहते हैं ना एक आर्किटेक्ट है, दूसरे आर्किटेक्ट का नाम पूछा रहा, हर्बर्ट बेकर है दूसरे आर्किटेक्ट। एक और क्वेश्चन देखिए, किशनगढ़ स्कूल ऑफ राजस्थान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई किशनगढ़ स्कूल ऑफ राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो किशनगढ़ स्कूल ऑफ राजस्थान जो है, ठीक है सर, ये वाली क्लास कब से चल रही है? बेटा 1 महीना तो हो गया होगा, अर्जुन बैच सुबह से चल रहा है 8 बजे, और पता नहीं कितने SSC के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, है ना? नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो तब भी हो जाएगा अक्टूबर तक। ठीक है, आज रिवीजन चल रही है पिछले सभी काम की जो भी पढ़ाया। चलिए किशनगढ़ स्कूल ऑफ राजस्थान जो है पेंटिंग से संबंधित है। एक और क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन पैक्ट, देखो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था कि भाई गांधी जी जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने को तैयार हो जाएंगे, और जो है सोल्ट का जो रूल है वो बदला जाएगा, तो ये गांधी इरविन पैक्ट इस वजह से हुआ था। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 5 मार्च 1931 के आसपास हुई थी, उसी के बाद हुई थी, गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही गांधी जी गए थे, तो भैया आंसर 1931 ना होगा। ऐसे पुणे पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, ये जितने पैक्ट है, लखनऊ पैक्ट, ठीक है, ये सारे के सारे पैक्ट जो है इंपोर्टेंट है, इनमें से किसी पे भी उनके ईयर पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑरिजन हो, एवोल्यूशन, इवेंचुअल फेथ हो, यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? ठीक है, जितना स्पीड में आंसर करोगे उतना ही मजा आएगा क्लास पूरी करने का, क्योंकि सारे क्वेश्चन हो पाएंगे फिर, ठीक है, और फिर एनर्जी बढ़ी रहेगी। हम 9:30 बजे पेपर मार लेंगे, पेपर 10 मिनट का मारना है, 9 बजे की जगह 9:30 बजे करेंगे, लेकिन पेपर जरूर करेंगे। ठीक है, आंसर क्या? यूनिवर्स की स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली कॉस्मो फीड यूनिवर्स, ठीक है, तो बस वही कॉस्मोलॉजी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, दांडी मार्च जो किया गया था गांधी जी ने, देखो एग्जैक्ट डेट पे क्वेश्चन आ रहा है, मंथ भी लिख दिया, ईयर भी लिख दिया, कह रहे कि भाई डेट बताओ, तो इससे ना ये चीज समझ आती है, ठीक है, ये चीज समझ आती है कि हमें ना एग्जैक्ट पूरा ईयर मंथ और डेट हर एक इवेंट का याद होना चाहिए। ठीक है, पेपर में आपके क्वेश्चन आया कि भैया आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत हुई। दांडी मार्च में कितने सदस्य थे जिन्होंने उसे पार्टिसिपेट किया, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था, ठीक है, ये सब जो है, ठीक है, आपको क्वेश्चन मिलेगा। बेटा PDF कहाँ पे मिलेगी? 100% आप मेरे लेक्चर में हो तो कोई ऐसा लेक्चर नहीं जिसका मैं PDF ना दूं, और तुरंत ना दूं एग्जाम क्लास खत्म होने के बाद। बेटा ये मेरा टेलीग्राम है अमन सर टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लेना, PDF भी लिंक भी सब समय में मिलेगा।
बहुत ज्यादा लेक्चर मैं कराता नहीं, एक सुबह 8 बजे कराता हूँ, एक रात को 7 बजे कराता हूँ, और सुबह 9 बजे एक टेस्ट होता है जो आज 9:30 बजे होगा, क्योंकि इस लेक्चर के जस्ट बाद होता है टेस्ट। आंसर इस क्वेश्चन का 12-24 दिन के लिए हुआ था, 78 सत्याग्रही उसमें थे। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष में हुई? रणजी ट्रॉफी अभी सुशस्त्रा नाम की टीम ने जीता है इस साल का रणजी ट्रॉफी। ये आ सकता है कि कौन सी टीम ने जीता है, तो सुशस्त्रा के द्वारा जीता गया, लेकिन कौन से वर्ष में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी जल्दी से बताइए सभी के सभी। आंसर बताइए, आंसर क्या है? यूट्यूब पे क्लास होती है मेरी सारी ऑलमोस्ट। प्लस का लेक्चर में सुबह 7 बजे लेता हूं, अगर आप चाहो तो प्लस वाली क्लासेस में अगर आप पहले से भी हो तो सुबह 7 बजे वो भी पढ़ सकते हो। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का? 1934 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बेटा, पढ़ने का मजा तब आता है या तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ रहा हो बच्चा, बहुत एनर्जी हो, दिमाग माइंड एकदम फ्रेश हो, कोई काम ना हो ज्यादा फालतू का, डिस्टर्बेंस ना हो, या तो अर्ली नाइट जो बाद में रात के समय में शाम को 7 बजे के बाद, कि जब सब कुछ घूम लिए मौज कर लिए उसके बाद पढ़ रहे, तो मैंने वैसे ही टाइम रखे हुए हैं कि आपको दोनों टाइम पे पढ़ने का मौका भी मिलता है, पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, 1934 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई। देखो इंडियन एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर कौन है? ये राष्ट्रपति की पावर है, ये राष्ट्रपति की पावर, राष्ट्रपति की बहुत सारी पावर है। राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस अध्यादेश लाते हैं 123 के तहत, राष्ट्रपति पार्डन कर सकते हैं 72 के तहत। ठीक है, तो ये सारी राष्ट्रपति की पावर है, जिसमें से एक पावर ये भी है कि राष्ट्रपति जो है आर्म फोर्सेस के कमांडर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवे कौन सा है? दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवे कौन सा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवे कौन सा है मेरे भाई? इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो कॉन्टिनेंटल रेलवे है ना, एक कॉन्टिनेंट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है, ट्रांस साइबेरियन वाला। ठीक है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल कहा जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, चलिए बताइए पांडावली जो है ये कौन सी स्टेट का डांस ड्रामा थिएटर है? बेसिकली डांस फॉर्म है, ट्रेडिशनल डांस है पांडावली, जल्दी से बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पांडावली कौन सी स्टेट का डांस ड्रामा थिएटर है, बेसिकली डांस फॉर्म है, कौन सी स्टेट का? बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो यार, फोक डांस के क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना, ज्यादा क्लास मैंने शाम को 7 बजे कल करा के खत्म कराया था ज्यादा स्टडी जी के, बट फिर भी मैं आज एक लूसेंट की सीरीज शाम को 7 बजे फिर भी लेके आ रहा हूँ। अगर किसी का रह भी गया हो जो जुड़ा हो मेरे साथ सुबह 8 बजे पहली बार, वो सुबह 8 बजे जुड़ना स्टार्ट कर दो, अर्जुन बैच में सब खत्म करा दूंगा, कल से अर्जुन बैच में सब आ सकते हो। ठीक है, अर्जुन बैच स्टार्ट करेंगे इसी टाइम पे सुबह 8 बजे। आंसर क्या इस क्वेश्चन का? छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का आंसर। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इंपोर्टेंट फंक्शन लेजिस्लेचर का कौन सा है? बताइए कौन सा लेजिस्लेचर का एक इंपोर्टेंट फंक्शन है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो लेजिस्लेचर क्या करता है, ठीक है ना, लेजिस्लेचर क्या करता है? लेजिस्लेचर कानून बनाता है। कानून बनाने वाली बात होगी तो भैया मेकिंग लॉ इज द आंसर। ठीक है, एग्जीक्यूटरी का क्या काम है, ठीक है, जुडिशियरी का क्या काम है, लेजिस्लेचर का क्या काम है, सभी को क्वेश्चन आना चाहिए। बताइए ये क्वेश्चन बताइए कि भाई कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे 38 टेम्पल्स है, एक ही स्टेट एक ही रिलीजन के एक ही पहाड़ पे, आंसर क्या है इस क्वेश्चन? ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ाइए अर्जुन बैच में। अच्छा, किस किस की डिमांड है कि टॉपिक वाइज पढ़ाया जाए अर्जुन बैच में? आज बोल दो 170 बच्चे हैं, अगर 170 बच्चे यस लिख देते हैं तो मैं कल से टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, अगर मैं टॉपिक वाइज ना पढ़ाऊं तो आप एक भी बच्चा ना आना, आप लेकिन यस लिखो 170 बच्चे की यार आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको अक्टूबर तक सब टॉपिक वाइज पढ़ा दिया जाए सुबह 8 बजे के अर्जुन बैच में। सुबह 8 बजे के अर्जुन बैच में जो ये बैच चल रहा है कल से अर्जुन बैच, इसमें जो स्टार्ट होगा, कौन कौन चाहता है कि हम आएंगे लेकिन आप सर टॉपिक वाइज पढ़ा दो, और अगर मैं फिर कल टॉपिक वाइज ना लाऊं तो आप परसों मत आना, मैं सीधा बोल रहा हूं यार, साफ सीधी बात करता हूं, बच्चों की डिमांड है, अगर बच्चे यस करते हैं कि सर टॉपिक वाइज लाओ, अगर आप कल टॉपिक वाइज लाओगे तो मैं आ जाऊंगा, और अगर आप कल नहीं लाए तो परसों से मैं आना बंद कर दूंगा, वो बच्चा यस लिख दो, सबका यस है, मैं लिख के देता हूं कल से आपका अर्जुन बैच टॉपिक वाइज चलेगा, अगर मैं टॉपिक वाइज कल से क्लासेस ना लाऊं तो आप परसों से लेक्चर देखना बंद कर देना सारे के सारे A to Z। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का,
ये मेरे भी वर्ड रहे लेकिन आपके भी वर्ड रहने चाहिए कि मैं मेहनत करूँ, क्योंकि उसमें ना यार टॉपिक वाइज में टॉपिक बनवाने में मेहनत लगती है। तो आप जितने यस कह रहे हो भाई सुबह 8 बजे पढ़ना, नहीं तो जिस दिन ऐसा लगा ना कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ बच्चे मेहनत नहीं कर रहे, मैं उससे अगले दिन लेक्चर बंद कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज, पढ़ लेना टॉपिक वाइज लाऊंगा, कल से सारे टॉपिक खत्म करवाऊंगा A to Z जितने हो सकते हैं सुबह 8 बजे। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेट का जो साइज है इसको छोड़ो, कौन सा खालसा पंथ की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए खालसा पंथ की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। देखो खालसा पंथ जितने भी हमारे सिख गुरु रहे हैं उनमें से किसी के द्वारा कुछ ना कुछ किया गया। ठीक है, तो आंसर है इस क्वेश्चन का गुरु गोविंद सिंह जी, इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, गुरु गोविंद सिंह जी इस क्वेश्चन का आंसर है। आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया था राजकुमार शुक्ला ने कि आओ चंपारण में देखो क्या चल रहा है माहौल। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजकुमार शुक्ला को किसने बताया कि गांधी जी इतने बढ़िया है। ठीक है, हाँ अंकित, ये सुबह 8 बजे वाली क्लास जो आप देख रहे हो ना, यही क्लास मंडे टू फ्राइडे अर्जुन बैच होता है, सेम टाइमिंग सेम जगह अगले वो दिन। कौन सा गाना गा दिया मैंने, चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का गणेश विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखेगा, देवनी मोरी स्तूपा जो है कौन सी स्टेट में है, जल्दी से बताइएगा। जैसे आप सांची स्तूपा कहते हो, ठीक है, आता है क्वेश्चन, देवनी मोरी स्तूपा में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, धमेक स्तूपा में भी क्वेश्चन आता है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, देवनी मोरी स्तूपा कहाँ पे है, गुजरात में लोकेटेड है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए। अर्थ का ट्विन सिस्टर, इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट, ठीक है, विदाउट सैटेलाइट, ये सब कुछ इसी के लिए यूज किया जाता है। और ये है ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, आंसर क्या है जल्दी से बताइए, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ आंसर क्या है, कमेंट करिए सभी के सभी। चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, वीनस इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या है आंसर, वीनस इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए 2028 के, ये कल क्वेश्चन हुआ था, कल ये स्टैटिक जीके में हुआ था, लेकिन पता होगा अब आपको कि भाई 2028 का समर ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाला है। 2024 का होने वाला पेरिस में, ठीक है, और 2028 का होने वाला है लॉस एंजलस में। कहाँ पे होने वाला है, लॉस एंजलस में। एम बाल मुरली कृष्ण किस आर्ट से संबंधित है, कमेंट करिएगा सभी के सभी जितने बच्चे देख रहे हैं, एम बाल मुरली कृष्ण किस आर्ट से संबंधित। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, एम बाल मुरली कृष्ण किस आर्ट से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर बड़ा ही आसान है। ठीक है, तो आंसर है इस क्वेश्चन का कि भैया कार्नेटिक वोकल से संबंधित है। क्या लिए ना, देखो जैसे ये साइंस के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर साइंस के चैप्टर नहीं खत्म हो पा रहे, तो ना उसका एक इलाज निकाल दिया, बायोलॉजी के 10 चैप्टर बनवाए। ठीक है, सुबह 8 बजे ही पढ़ाने वाला हूँ, वो मेरे को भी पता है कि 8 बजे ही हो पाएंगे वो सुबह 8 बजे। ठीक, क्योंकि रात को भी चलता रहता है कंटेंट और सुबह भी पढ़ाना पड़ेगा तभी होगा। तो साइंस के 10 चैप्टर मैं आपको कराऊंगा इसी क्लास में, वैसे भी चैप्टर वाइज कराना था, अब तो आपने कह दिया कि चैप्टर कराओ सारे, तो कराएंगे। ठीक है ना, चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का, गैलेना जो है पीबीएस होता है, पीबीएस कहते हैं इसे, और पीबीएस में पीबी लिखा हुआ यानी कि ये लेड का होगा। ठीक है, गैलेना का वो भी पूछा जाता है फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ध्यान रखना गैलेना का फॉर्मूला भी पूछा जाता है क्या है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर लेड है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड जैन काउंसिल कहां पे हुआ था, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो बुद्धिज्म का जो हुआ था वो था राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। ठीक है, राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, ऐसे ही जो जैन काउंसिल हुआ था ना वल्लभी और वैशाली में हुआ था, तो सेकंड वैशाली ही है ऑप्शन, सेकंड वैशाली ही दे रखा है ऑप्शन में, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सैलरी अलाउंस जो है एमपी के कौन से आर्टिकल में दे रखे हैं, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी होती है अलाउंसेस आते हैं वो किस आर्टिकल में डिस्कस कर रखे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सैलरी और अलाउंसेस जो एमपी के डिस्कस कर रखे हैं वो किस आर्टिकल में डिस्कस कर रखे हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन है, देखो अगर मैं बात करूं सैलरी अलाउंस की तो आर्टिकल 106 थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि भाई आर्टिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कईयों को नहीं पता। बेटा जितनी रिवीजन संडे को हो सकती है ना उतनी करा करो,
क्योंकि आप पूरे महीने पढ़ने के बाद अगर किसी एक दिन रिवीजन नहीं मार रहे हैं तो पूरे पढ़े का फायदा नहीं। और ए टू जेड चीजें करवा रहा हूँ सैटरडे को, कल शाम को 7 बजे स्ट्रेटेजी के हुआ, अभी हिस्ट्री चल रहा है पूरा, पॉलिटी चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, रात को 7 बजे लूसेंट का रिविजन करा दूंगा। तो ये रिविजन हो गई, और कल से अर्जुन बैट सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा, उसमें चैप्टर वाइज स्टार्ट करा देंगे, नया कंटेंट स्टार्ट करा देंगे कल सुबह 8 बजे से। तो ये पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है ना? और ये समझना रक्षाबंधन को भी कोई ऑफ नहीं है, सुबह 8 बजे वाले लेक्चर लगाएंगे, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखिए, राजगीर महोत्सव कौन सी स्टेट का महोत्सव है, जल्दी से बताइए, है ना? आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए, राजगीर महोत्सव कौन सी स्टेट का महोत्सव है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ये महोत्सव जो है कहाँ का है, बिहार का महोत्सव है, ठीक है? राजगीर, राजगीर लोकेशन क्योंकि ना बहुत फेमस है, ठीक है, बुद्धिज्म से भी संबंधित फेमस है ना? चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, आंसर क्या? देखो ये ना प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आंसर है जवाहरलाल नेहरू, एक वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड जो है राइटर माने गए, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ठीक है, ये सब कुछ जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया, प्रसिद्ध व्यक्ति थे। फॉर्मलिन जो है ना एक्वस सोल्यूशन है किसका, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा, फॉर्मलिन एक्वस सोल्यूशन है किसका, जल्दी से बताइएगा। बेटा वीडियो को शेयर करना, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर मारिए, ठीक है ना? और डेली आइए सुबह 8 बजे, आपको हमेशा यही पे इस जगह पे ही क्लास मिलती है, और कंटेंट सबके लिए है, जीके मैं पढ़ा रहा हूँ सबके लिए पढ़ा रहा हूँ, ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि यार सबका खत्म हूँ जीके का पोर्शन। चलो जैसे क्वेश्चन फॉर्मूला एक्वस सॉल्यूशन है किसका, तो आंसर इस क्वेश्चन का मिथेनल, इधर यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे लगा देते हैं इथेनल, ठीक है बेटा, लेकिन आंसर मिथेनल है, ठीक है, यही पे गलत हो गया, इथेनल मिथेनल का थोड़ा सा फर्क पता होना चाहिए, क्या खतरनाक है क्या सही है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, शंघाई फेस्टिवल कौन सी स्टेट का फेस्टिवल, जल्दी से बताइए, चैप्टर तो सारे कराऊंगा, अब कह तो दिया आपको ए टू जेड यही में कराऊंगा, सारे पीडीएफ तो दूंगा ही, देता ही रहता हूँ यार, पीडीएफ कभी रोकी आपकी है ना, पीडीएफ हमेशा आती है, जैसे कोई भी लेक्चर करा दिया उसका पीडीएफ आना ही आना, ठीक है। चलिए आंसर क्या इसको, शंघाई फेस्टिवल की अगर मैं बात करूं जो है ना मणिपुर, इस क्वेश्चन का आंसर, आप में से कितने बच्चों को ये पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर कराता हूँ, पूरे यूट्यूब पे सिर्फ 2 लेक्चर चलते हैं, टाइमिंग क्या है, एक सुबह 8 बजे, एक शाम को 7 बजे, टेस्ट बुक पे, टेलीग्राम पे दोनों का लिंक आता है, ये 2 लेक्चर जिसने खत्म कर लिए ना उसने पूरी कवर कर ली, जिसमें चैप्टर वाइज कल सुबह से 8 बजे से ये चलेगा, और 7 बजे आपके बहुत नए क्वेश्चन चलते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन जितने होते हैं हर एक पेपर के वो सारे, ठीक है। तो दोनों लेक्चर प्लस सुबह 9 बजे का टेस्ट, जो कि आज सुबह 9 बजे की जगह 9:30 बजे कर देंगे, तो ये फिक्स टाइमिंग है, इस फिक्स टाइमिंग को जो फॉलो करता है और जो एक टेस्ट दे देता है, इस क्लास के, ये क्लास जैसे हो रही है ना, इस क्लास के एंड होते ही टेस्ट होगा, चाहे ये क्लास 9 बजे खत्म हो चाहे 9:30 बजे खत्म हो, टेस्ट इसके बाद ही होता है, जितना बच्चा इधर पढ़ रहा है ना वो सारा बच्चा कम्पीट कर रहा होता है। आज आप भी 9:30 बजे देखेंगे कि भैया हाँ कॉम्पिटिशन क्या चीज है, आप देखना आपको 9:30 बजे समझ आएगा आज की भैया कंपटीशन क्या हो। एक और क्वेश्चन देखिए, 7 पकोड़ा महाबलीपुरम के जो है किसके द्वारा पैटर्नाइज किए गए थे, जल्दी से बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। देखो पैटर्नाइज किसने क्या किया इस पे क्वेश्चन आना है, जैसे एलोरा जो है एलोरा को किसने पैटर्नाइज किया, ठीक है, राष्ट्रकूटास के द्वारा पैटर्नाइज किया गया। महाबलीपुरम का आंसर जो है पल्लवास है, पल्लवास के द्वारा। मीनाक्षी टेम्पल जो है वो किसके द्वारा पैटर्नाइज किए गए, ठीक है ना? तो ये सब सवाल ना बहुत बनते हैं, पैटर्नाइज किसने क्या किया, ठीक है, तो 100% क्वेश्चन बनना है ये क्वेश्चन। बताइए सोप सॉल्ट जो है किसका, सोप इज अ सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए सोप इज अ सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो तो आंसर है इस क्वेश्चन का, सोप इज अ सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, सोप इज अ सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, बड़ा कॉमन है, 10th क्लास स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, ठीक है, बहुत बेसिक सवाल। एक और क्वेश्चन, ये मेरा टेलीग्राम है अमन सर टेक्स्ट बुक, इसे ज्वाइन करना है फॉर द पीडीएफ। क्या टेलीग्राम का नाम, अमन सर टेक्स्ट बुक, चैनल और ग्रुप दो, ध्यान रखना
जब सर्च करोगे ना तो एक ग्रुप आ रहा होगा 1,27,000 सब्सक्राइबर का, उससे जरूर ज्वाइन करना अगर टेस्ट देना है अभी इसके बाद, क्योंकि वो टेस्ट देने के लिए ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है हर हाल में। ठीक है, 1,27,000 सब्सक्राइबर है जिसमें। हॉटेस्ट पार्ट गैस फ्लेम का क्या होता है, जब हम गैस फ्लेम जलाते हैं तो उसमें जो सबसे गर्म भाग होता है, ठीक है, जो सबसे गर्म भाग होता है वो कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर गैस फ्लेम की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे गर्म भाग क्या होगा, ऐसा दिखता है ना कि भाई एक जोन होता है नॉन ल्यूमिनस, एक ब्लू जोन होता है, एक बीच में येलो येलो सा दिखाई देता है के कमी की वजह से, एक ल्यूमिनस जोन है एक डार्क जोन है, तो उसमें से जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट है वो है नॉन ल्यूमिनस जोन। कौन सा नॉन ल्यूमिनस जोन जो है, जो सबसे कम चमक रहा है वो सबसे ज्यादा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, टर्जरी सेक्टर, टर्जरी मतलब टर्जरी इज इक्वल टू द सर्विसेज, टर्जरी सर्विसेज है ना, ठीक है ना, तो भैया सर्विसेज का ध्यान रखिए। कोमल, कोमल आप तो रेगुलर स्टूडेंट हो, आप भी कह रहे हो सर कब से क्लास स्टार्ट होगी, 8 बजे स्टार्ट होती है क्लास, यार तुम्हें भी पता होना चाहिए, ये तो रेगुलर टाइमिंग है ना आपकी 8 बजे वाली, कोई शक 8 बजे वाली टाइमिंग पे, चाहे कोई भी दिन हो 8 बजे वाली टाइमिंग फॉलो की जा रही है फुल। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि भैया ट्रेजरी सेक्टर क्या है, तो सर्विसेज सेक्टर देखो, पावर और ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द एग्जांपल, ट्रांसपोर्टेशन इज एन एग्जांपल ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना, तो ये ट्रेजरी सेक्टर हुआ। एक और क्वेश्चन देखिएगा, सोच समझ के बताइएगा, कुछ नहीं बताना सोच समझ के, कह रहा है चाबहार पोर्ट कौन से देश में बना हुआ, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सर 9 बजे होता है बेटा टेस्ट होता है 9 बजे, लेकिन तब जब 8 बजे वाली क्लास 9 बजे खत्म हो जाए, आज मुझे नहीं लग रहा है कि 9 बजे खत्म होगी, ये 9:30 बजे खत्म होगी, तो 9:30 बजे टेस्ट होगा। टेस्ट का मतलब कि इस क्लास के जस्ट बाद, अगर आप इस क्लास में आ रहे हो तो आपको समझ आएगा कि टेस्ट रेगुलर इसके बाद ही होता है और आज भी होगा, ये क्लास खत्म होते ही कराएंगे टेस्ट, ठीक है, तो टेस्ट होना ही होना है, आज ज्यादा बच्चे कम्पीट करेंगे टेस्ट में, देखना आज आप। चलिए आंसर इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर ईरान है, इंडिया ने इसमें मदद करी थी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, कमेंट करिएगा, जो ये जो गेम का सिस्टम है डिसीजन रेफरल सिस्टम DRS, ये कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए ये कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, DRS सिस्टम किससे संबंधित है, तो दो मेथड है जो कि क्रिकेट के प्रसिद्ध मेथड है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कंसेप्ट इस देश का है, ऐसे मैंने आपको करा रखा है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट का कंसेप्ट है ये भी उत्तराखंड का है, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट का कंसेप्ट उत्तराखंड का है, वैसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूपी का, यहीं से शुरुआत हुई थी इस कंसेप्ट की, यूपी से। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन, साइक्लोन गाजा इसमें से किस लोकेशन को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया हुआ है, कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, देखो अभी लेटेस्ट में जो भी साइक्लोन आए हुए उस पर क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना, आज ना चीजें रिकॉल करके देखो कि कितना याद है जो पढ़ा है, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि कितना याद है वो पढ़ा है, वो आपको रिकॉल भी करना चाहिए, रिकॉल करने में आपको अगर स्टेट का नाम यही याद आ रहा तो फिर काहे का पड़ा है, अलग ही आंसर लगा रहे, उड़ीसा लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, तमिलनाडु इस क्वेश्चन का आंसर है ना, यही तो चीजें कर रही। कुंभ मेला कितनी जगह कितनी बार होता है, गंगा नदी के किनारे होता है एक मेला, ठीक है, संगम के किनारे होता है दूसरा मेला, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में होता है तीसरा मेला, और सिपरी नदी के किनारे तीसरा चौथा होता है, ठीक है, तो ये चार मेले होते हैं, चार मेले होते हैं ना कुंभ मेले में, चार चार बार होता है, चार लोकेशन में होता है, कितने सालों में, 12 सालों में, ठीक है, ध्यान रखना, चार लोकेशन 12 सालों में, लोकेशन तक बता दिए, गंगा संगम गोदावरी और सिपरी, ये नदियां हैं जहां पे ये होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, केरला हाईकोर्ट की सीट जो है कौन सी लोकेशन पे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, केरला हाईकोर्ट की सीट कौन सी लोकेशन पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी के सभी, कमेंट करो सोल्व करो, मजा आना चाहिए। ठीक, केरला हाईकोर्ट की सीट जो है वो
कौन सी लोकेशन पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो केरला हाई कोर्ट की सीट जो है ना वो है एर्नाकुलम में, फेमस लोकेशन ऐसे कहते हैं, राजस्थान का जोधपुर है। ठीक है, ऐसे ही हर एक का पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसके द्वारा दी गई, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो है किसके द्वारा दी गई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्लार्क के द्वारा दी। ठीक है ना, मैक्स क्लार्क मत लगा देना आंसर, क्रिकेट वाले क्लार्क ही लगा इससे। चलिएगा क्वेश्चन देखिएगा, ये मुश्किल था क्वेश्चन। जातक बुद्धिस्ट लिटरेचर से संबंधित है, जातक है क्या? देखो लिटरेचर त्रिपिटक रहे हैं, ठीक है, तीनों पिटक हो गया, महाभाषा हो गई, ये सब बुद्धिस्ट लिटरेचर है। ऐसे ही जातक भी एक लिटरेचर है, ठीक है, साहित्य है बुद्धिस्ट धर्म का। अब ये किससे संबंधित है, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या इस क्वेश्चन। ठीक है, बुद्धिस्ट धर्म से संबंधित ये जो जातक है, ये एक तरीके से गौतम बुद्ध के जन्म की कहानी है। ठीक, गौतम बुद्ध के जन्म की कहानी है। एक और क्वेश्चन देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कौन से वर्ष में एक्ट लागू किया गया था, कौन से वर्ष में इसे एक्ट को किया गया था लागू, इनेक्टेड मतलब। आप में से कौन कौन सा बच्चा कल से सुबह 8 बजे रेगुलर होने वाला, ईमानदारी वाला रेगुलर, ठीक है, एक बारी मतलब ऐसे कहते हैं ना, बस वैसे ही पूछता हूँ हमेशा, विद्या पढ़ाई का सब। अब बचपन में हम कहाँ करते थे, मैं तो ऐसे ही करता था, जो चीज सच्ची बोलने में विद्या पढ़ाई का सब। कौन कौन जो है सुबह 8 बजे रेगुलर आने वाला, ईमानदारी से बताइएगा, जिसको लगता है कि आप आएंगे। और मैं चैप्टर वाइज करा दूंगा, मैं चैप्टर वाइज करा दूंगा, मैं आपका अक्टूबर तक खत्म करा दूंगा पूरा, जो भी एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो मैं कवर करा दूंगा। ईमानदारी से बताइए, जो जो सुबह 8 बजे आ सकता है, रेगुलर हो सकता है, क्योंकि कल से मंडे है और मंडे से अपने को, ठीक है, फोकस करना है कुछ नई चीजों पे जो आपके चैप्टर पेपर में बनते हैं। मैं अश्योरिटी लेता हूँ कि आप कहते हैं यूट्यूब पे कंटेंट नहीं होता, यूट्यूब पे कंटेंट आपको सुबह 8 बजे देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा कंटेंट जो कवरेज करेगा पूरा पूरा, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे अश्योरिटी चाहिए आप सभी। सर बोला था, सर आपने तो बोला था क्योंकि आप तो रहे हो स्टूडेंट, बाकी तो पूछ रहा हूँ मैं। चलिए आंसर, आपको मुझे पता है ना पूरा कि कौन कौन से स्टूडेंट कहाँ कहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए आंसर, इसको है 2006 दिल्ली में फंसाई के हेडक्वार्टर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हमारे जो हार्ट एक्टिविटीज, हार्ट बीट की एक्टिविटीज को अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें से किसमें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, हार्ट बीट की जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी जो है हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, कमेंट करो बताओ आंसर ये। संडे इज एन ऑर्डिनरी डे फॉर अनएम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है, एंड फॉर एन एम्प्लॉयड पर्सन टू इफ इज अ टीचर। ठीक है, तो भाई पढ़ लो, संडे वैसा ही है जैसा मंडे है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, है ना, आपकी जेब में पैसा नहीं है, हमारी जेब में, हमारे पास समय नहीं, दोनों बराबर हैं, तो क्या करें, पढ़ाई करते हैं ऐसे लोग, एक पढ़ाते हैं एक पढ़ते हैं, तो आप पढ़िए हम पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा, बताइए पहले ऐसे बैट्समैन जिन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के मारते हैं, इनके नाम पे आईसीसी की सबसे बड़ी ट्रॉफी है सब। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ मैंने वो लखू देख लिया था भाई, देखो अगर कोर्ट केस का रिजल्ट आएगा तो मैं पक्का कराऊंगा, नहीं आएगा तो मैं क्या कराऊंगा यार, बताओ, समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ। ये मुझे भट्ट यूनिस ने भी कहा था, मैंने तब भी उसे ये जवाब दिया। आंसर के इस क्वेश्चन का आंसर गारफील्ड सोबर, इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्मोक फ्री स्टेट है, आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, कमेंट करिएगा, कौन सा स्मोक फ्री स्टेट है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। देखो तीन सवाल बनते हैं, एक स्मोक फ्री का बनेगा केरला लगा देना, ऑर्गेनिक का मिलेगा सिक्किम लगा देना, ऑर्गेनिक का मिलेगा सिक्किम लगा देना, और कार्बन का मिलेगा, कार्बन फ्री का मिलेगा तो हिमाचल लगा देना, ध्यान रखना, कार्बन फ्री का मिले हिमाचल लगाएं, ऑर्गेनिक का मिले सिक्किम लगाए, और स्मोक फ्री का मिले केरला लगाए। ये तीन सवाल बनते हैं जिसमें से हिमाचल वाला पक्का बनता है, ठीक है, हिमाचल वाला पक्का बनता है, क्वेश्चन आपका आता है इस पे। एक और क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी रिएक्टर का क्या नाम, बताइए। न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी रिएक्टर का क्या काम है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो मेरे भाई देखो,
अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला नहीं, ऑर्गेनिक स्टेट यानी कि ऑर्गेनिकली सब कुछ उगाया जाता है। हैवी रिएक्टर क्या करता है, कंट्रोल करता है न्यूट्रॉन की स्पीड को, ठीक है, न्यूट्रॉन की जो स्पीड है उसे कंट्रोल करता है। इस पे क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, जो दिस इज, देखो विटामिन के क्वेश्चन बहुत आने हैं, ठीक है, विटामिन के क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आ सकते हैं कि कौन सी डिसीज किस से विटामिन की कमी की वजह से होती है, ठीक है, तो आंसर इसमें से बर्बरी डिसीज जो है किसकी वजह से, ठीक है, ध्यान रखना थायमिन की कमी, जैसे रेटिनोल विटामिन ए है, ऐसे सभी के निकनेम आपको मिल सकते हैं। विटामिन ई क्या है, टोकोफेरोल है, ठीक है, ऐसे आपको सभी के निकनेम मिल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए बताइएगा, बिजोलिया फार्मर मूवमेंट कौन सी स्टेट का, ये चेक करो कि आपकी क्या इन क्वेश्चंस में 100% एक्यूरेसी है। अगर आप ये चेक कर पा रहे हो तो बात बन रही है, नहीं कर पा रहे तो नहीं बात बन, ठीक है, 100% एक्यूरेसी है कि नहीं। चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई राजस्थान। इस क्वेश्चन का आंसर है वॉशिंग सोडा कॉमन नेम है इसका। देखो कॉमन नेम पे ना वैसे भी क्वेश्चन आते हैं, कैल्शियम जैसे आपके लेक लाइम पे, क्विक लाइम पे, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, इन सब पे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम बताइए, मतलब ये किसका कॉमन नेम है, कमेंट करिए सभी के साथ, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो तो आंसर है इस क्वेश्चन का कि भैया सोडियम कार्बोनेट का, इसका सोडियम कार्बोनेट का है वॉशिंग सोडा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई, जब देश आजाद, देश की जो है आजादी की मुहिम छिड़ी उसमें 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनी, ये भी देश के हित के लिए लड़े थे एग्रीकल्चरिस्ट जितने भी थे, तो ये जो ऑल इंडिया किसान सभा हुई थी ये कौन सी लोकेशन पर हुई थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ऑल इंडिया किसान सभा जो है ये दोस्तों लखनऊ में हुई, ठीक है, ध्यान रखे लखनऊ में। एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का, ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताइएगा, व्हाट इज ड्राई आइस, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत पेपरों में आए हैं, क्वेश्चन आता ही आता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ड्राई आइस जो है, ड्राई आइस जो है इस, ये क्या है, सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड, साइंस के भी क्वेश्चन डालता जा रहा हूं, ठीक है ना, और जैसे देखो आपको मैंने कह दिया कि मैं कल से आपको अर्जुन बैच में चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं आज आपको ना इस वीडियो का कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री देता हूँ, बिल्कुल फ्री देता हूँ इस वीडियो का कमेंट बॉक्स, कि आपको जो जो चैप्टर पढ़ने हैं ना कल सुबह 8 बजे से, वो सारे चैप्टर लिख देना, जितने लिख दोगे सारे होंगे, एक भी चैप्टर छूटा तो भैया आप इस चीज का ध्यान रखें कि हम जो है ना बार बार ये नहीं कहेंगे कि यार आप आए आप आए आप आए, बस एक बार यार चैप्टर लिख देना, जो जो चैप्टर चाहे आप हिस्ट्री में से लिखें, चैप्टर वाइज लिखें, हिस्ट्री में अलग अलग, पॉलिटी में लिखें, ज्योग्राफी में लिखें, स्टैटिक जीके, साइंस, जिस भी टॉपिक में लिखेंगे जीके जीएस के, इवन करंट अफेयर के, कि भाई सर अपॉइंटमेंट करा दो, ये करा दो, वो करा दो, जो जो लिख दोगे वो मैं आपको ना रेस्पॉन्स में सुबह 8 बजे कल से कराना स्टार्ट करा दूंगा, क्योंकि कंटेंट बहुत है, बस आपको देना है, ठीक है, आपको देना है, बस आपकी ये प्रायोरिटी बनती है कि आप इस वाली क्लास में लिखें, और टेस्ट जो है अभी इसके बाद टेस्ट होगा तो उस टेस्ट के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, 9:30 बजे टेस्ट होना उसमें भी लिख सकते हो, ठीक है, टीसीएस के पैटर्न के आधार पर जो चीजें क्वेश्चन बनते हैं वो कराऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर पार्ट 17 जो है लैंग्वेज से संबंधित है, जैसे इलेक्शन का 15 से संबंधित है, अमेंडमेंट का 20 से संबंधित है, इमरजेंसी जो है 18 में। एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मतलब इमरजेंसी उसके आसपास का है, ये क्वेश्चन नहीं करना, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, इंपीचमेंट जो होती है राष्ट्रपति की वो कहां पे स्टार्ट हो सकती है ना जी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो जो राष्ट्रपति की इंपीचमेंट है उसकी शुरुआत जो है कहां पे, लोकसभा में, राज्यसभा में, कहां पे, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर क्या है जल्दी से बताइए। चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है,
चलिए, तो आंसर इस क्वेश्चन का आइदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों है इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, देखो प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 61, प्रेसिडेंट के आर्टिकल, आर्टिकल 72, आर्टिकल 61, आर्टिकल 23, आर्टिकल 74, ये जितने आर्टिकल है सारे क्वेश्चन बनाते, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बनाते, ये क्वेश्चन आपका बनेगा पक्का। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसके द्वारा दी गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो है किसके द्वारा दी गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सभी के सभी, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आंसर इस क्वेश्चन का जेएम सम्प्टर के द्वारा जो है इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो है दी गई थी। एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तुंगभद्रा नदी जो है ये किस एम्पायर को सर्वाइव करने में हेल्प करी, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तुंगभद्रा नदी का जो सर्वाइवल था ना, तो मतलब तुंगभद्रा नदी ने सर्वाइवल का प्रोसेस किया था, वो किस एम्पायर से संबंधित है, चलिए बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। देखो जैसे आपने ना इस पे एक मूवी भी देखी होगी, ठीक है ना, इस पे एक मूवी भी अभी हाल फिलहाल में आई थी, कोई पीएस नाम की कोई मूवी आई थी, एक तो वो और विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर भी बड़ा प्रसिद्ध है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर विजयनगर एम्पायर है, तो आंसर विजयनगर एम्पायर है, चोला विजयनगर एम्पायर आसपास के एम्पायर हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बेटा ये ज्वाइन करना क्योंकि इसके जस्ट बाद 9:30 बजे टेस्ट होगा, 9 बजे मत जाना क्योंकि अभी हम इधर ही पढ़ेंगे, लेकिन 9:30 बजे टेस्ट मारेंगे, टेलीग्राम पे लिंक आएगा ग्रुप में, ठीक है। कामा सूत्रा के राइटर कौन, जीवन का ज्ञान है ये तो, ठीक है, सबको आता होगा, एट द एज ऑफ 18+, है ना, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक। कामा सूत्रा के राइटर का नाम बताइए, वात्स्यायन इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, तो ये आसान है। जैसे ये देखो इसमें जितने भी राइटर है ना, वारा मीरा, ठीक है, विष्णु शर्मा, जैसे विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लिए बड़े प्रसिद्ध है, ठीक है ना, तो विष्णु शर्मा पे क्वेश्चन आता है, काम सूत्र पे क्वेश्चन आता है, वारा मीरा पे क्वेश्चन आ जाएगा, हरिश्चरित्र किसके द्वारा लिखी गई, हर्षवर्धना के द्वारा, हर्षवर्धना के ऊपर, ठीक है, बाणभट्टा ने लिखी, तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बनते हैं वाले क्वेश्चन, ठीक है। हमारे शरीर में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, हमारे शरीर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है मेरे भाई, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो हमारे शरीर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है मेरे भाई, ये होती है हार्ट और ब्रेन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का फंडा है। न्यूक्लियर रिएक्टर किस पर बेस्ड है, कमेंट करिए, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है किस पर बेस्ड है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर किस पर बेस्ड है, बताइए, सोल्व करिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएंगे। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर का फंडा जो है ना, ठीक है सर, 1.5 की स्पीड पर लेके जाओ क्लास को, मैं अपने आप ऑटोमेटिकली तो लेके नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी ये कंटेंट खत्म कराना है, कल से नया कंटेंट स्टार्ट कराना होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखना ये फ्यूजन है, फ्यूजन मत लगाना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस चीज में। 20-20 का ओलंपिक्स कहाँ पे, देखो 24 का भी कराया, 28 का भी कराया, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, देखो जैसे 24 का है पेरिस, ठीक है, और जो 28 का है वो एलए है, वैसे टोक्यो ओलंपिक लेटेस्ट हुए हैं, तो टोक्यो ओलंपिक हमारा 20-20 का है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेम वही चीज है, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स किसके द्वारा दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन, ये अभी स्क्रीन पे कोई गजब ऐड आई थी क्या, अभी स्क्रीन पे कोई गजब ऐड आई थी क्या, चौथा बंदा देखा, तो चौथा बंदा
जब ऐड हो तो ऐसी हो, समझ रहे हो? आंसर क्या इस क्वेश्चन का? आईएमएफ इस क्वेश्चन का आंसर है, कॉम्पिटिटिवनेस कहते हैं इसे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? इसी बात पे आंसर के मैं कुछ सोचा यार, ये ऐड देख ही लेता हूँ। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी चौधरी। चलो जैसे न्यूक्लियस के अगर मैं बात करूं, ठीक है, नहीं समझे आप? चलिए न्यूक्लियस के अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटोन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमने गया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए, बल्ब फर्मेशन पार कौन सी स्टेट में, जल्दी से बताइए कौन सी स्टेट में बल फर्मम नेशनल पार्क है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी के सभी। ठीक है, बल फर्मम नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में, जल्दी से बताइए। चलो तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है मेघालय। एक और क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगर मैं बात करूं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की, ठीक है, तो भाई नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ना इतिहास में सबसे पहला कौन लाए थे का सवाल है। सबसे ज्यादा किसके लिए आए थे, वो तो इंदिरा गांधी जी है, कि भाई इंदिरा गांधी जी के लिए सबसे ज्यादा इतिहास में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आया है, लेकिन लाए कौन थे ये सवाल है। तो आंसर इस क्वेश्चन का जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज, सोच समझ के बताना, जहर क्वेश्चन। भारत का संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया था, क्या लगाएंगे आप आंसर? ठीक है, आंसर के इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, भारत का इतिहास जो है दोस्तों ये किसके द्वारा जो है बनाया गया था। अगर आप इतने एनर्जी में अगर रोज रहे ना, तो हम ना पेपर का जो कंटेंट है ना वो यूट्यूब पे ही फोड़ दे, लेकिन आप रोज इतनी एनर्जी में रहते हो नहीं। मैं तो चाहता हूँ रोज हो, सुबह 8 बजे हम भी कवर करवाएं कुछ जो सुबह 8 बजे के लिए तैयार कर रखा है, ठीक है। बट वही है, टेस्ट में आते हो आप 9 बजे, आज तो बच्चे कहेंगे सर 9 बजे टेस्ट भी नहीं मिला, कितने बजे होगा, 9:30 बजे होगा टेस्ट। चलिए बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा जो आया था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। इसकी बहुत सारी कमिटीज भी है, ठीक है, वर्किंग कमिटीज अलग अलग थी, ड्राफ्टिंग कमिटी उसमें सबसे बड़ी थी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बेसिक थ्योरी ऑफ एजुकेशन सबसे पहले किसके द्वारा दी गई, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन। बेसिक थ्योरी ऑफ एजुकेशन सबसे पहले किसके द्वारा दी गई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए, कमेंट करिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर महात्मा गांधी जी का ना एक ना आइडिया था, वो आइडिया सिंपल था, स्पष्ट था। ये महात्मा गांधी कहते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में चीजें हो, बेसिक एजुकेशन मिले, तो उससे देश नीचे से ऊपर आएगा, और वो जरूरी भी है। वैसे हम वो चीज आज के समय में कर रहे हैं, आज के समय हम देखते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्रों तक एजुकेशन पहुंचा रहे हैं जितनी पॉसिबल है, और ग्रामीण क्षेत्र वाले खुद शहर में आ रहे हैं कि भैया पढ़ना है, ठीक है। ये चीज पहले हो जाती तो देश और आगे होता। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, होजारियत ब्यूनास जो है ये कौन सी स्टेट, बिहू, ये बिहू वर्ड से क्वेश्चन सोल्व होता है मेरे भाई, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कह रहा है एक बच्चा सर राजधानी की स्पीड में पढ़ाओ, ठीक है, राजधानी की स्पीड में। मेरे भाई मैं पढ़ा तो दूं, लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट की अभी वो नहीं ना आई वैकेंसी, रेलवे लेके नहीं आ रहा, पढ़ा के करूंगा क्या, है ना। लोको पायलट तो अभी तुम बन नहीं सकते। आप में से कोई रेलवे की वैकेंसी का इंतजार कर रहा है, ईमानदारी से बताना, कोई कर रहा है? यस, लिखना, एक अपडेट आना बहुत जल्दी, बहुत इस महीने के अंदर नहीं, इसने नेक्स्ट मंथ के अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है। एक बार यस लिखो, कोई रेलवे की वैकेंसी की इंतजार कर रहा है, रेलवे वैकेंसी का इंतजार, कि भाई हाँ रेलवे की वैकेंसी आ जाए तो मजा आ जाए, ALP आ जाए। ALP बहुत कई सही रहता है, मतलब बहुत सारे इंजीनियर्स भी वेट कर रहे होते हैं ALP का। मैं सच बताऊं, मैंने बहुत पढ़ा है रेलवे में, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने रेलवे में बहुत पढ़ा है, पर ALP के लिए, NTPC के लिए मैं खुद वेट कर रहा हूँ, कब आएगा रेलवे का एग्जाम कोई, और हम फिर से आएंगे, ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा सा, आएगा तो फोड़ देंगे रेलवे का,
जो भी आएगा, बहुत रिजल्ट निकलवाए रेलवे में, अब बारी है जब आए, है ना, जब भी आएगा गारंटेड हम ही आएंगे आपके लिए कैंडिडेट लेके, ठीक है। बहुत पढ़ाया क्योंकि रेलवे में। आसान इस क्वेश्चन का आंसर है, नॉन ट्रांजिशन मेटल जो है इसमें से कौन सा है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा इसमें से नॉन ट्रांजिशन मेटल है, जल्दी से बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कौन सा इसमें से नॉन ट्रांजिशन मेटल है। चलो तो आंसर है इस क्वेश्चन का रेडियम है, रेडियम ट्रांजिशनल मेटल नहीं है, नॉन ट्रांजिशनल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार सबसे पहले जब अमेंड किया गया था, शेड्यूल में चेंजेस लाए गए थे, तो वो पहला अमेंडमेंट कौन सा आर्टिकल, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइए, पहला अमेंडमेंट कौन सा जो है ईयर में हुआ था, 1951 में हुआ था, शेड्यूल कौन सा था, जल्दी से कमेंट करिएगा। 1951 में भारत में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन लाया गया, और कौन से शेड्यूल में लाए गए, सवाल चाहिए, ठीक है। एक और शेड्यूल बताइए, सभी के सभी शेड्यूल बताए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे भाई, शेड्यूल बताओ कौन सा शेड्यूल था। चलो तो आंसर क्या है, शेड्यूल कौन सा था, नाइन शेड्यूल। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, कि तुलाना नेशनल पार्क जो है कौन से देश में है, मुश्किल क्वेश्चन हो गया, बहुत ही ज्यादा अलग ही क्वेश्चन आ गए, तुलाना नेशनल पार्क कौन से देश में, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर है, कि तुलाना नेशनल पार्क कौन से देश में। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, चलिए आंसर है श्रीलंका, इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बारबिट्रिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सर जैसे जैसे बारबिट्रिक एसिड की अगर मैं बात करूं और उनके डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूं, तो उन्हें कहा जाता है ट्रैंक्विलाइजर, क्या कहा जाता है, ट्रैंक्विलाइजर्स कहा जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, अनायन, अनायन होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, बेसिक सवाल है, इस सवाल का जवाब क्या देंगे आप बताइए, अनायन जो है इलेक्ट्रॉन ले लेता है, नेगेटिव है, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बताइए गैम्बिट टर्म कौन से स्पोर्ट से संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए, टर्म जो गैम्बिट है ये कौन से स्पोर्ट से संबंधित है, कमेंट करिए जल्दी से बताइए। सो द गैम्बिट टर्म जो है ये कौन से स्पोर्ट से संबंधित है मेरे भाई, ये है चेस से, गैम्बलिंग टाइप कह सकते हैं, चेस से संबंधित है, चेस इस क्वेश्चन का आंसर है शतरंज, ठीक है। बुद्धा कौन से क्लैन से संबंधित, बुद्धा को ना शाक्य मुनि कहा जाता था, क्या कहा जाता था, शाक्य मुनि, क्यों कहा जाता था शाक्य मुनि, कोई बताएगा वाई बुद्धा वाज कॉल्ड एज शाक्य मुनि, क्यों गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता था, ऐसा क्या कारण था जिस वजह से गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता, ठीक है मेरे भाई। देखो शाक्य मुनि कहा जाने का कारण ये था कि इनका क्लैन राजवंश जो था वो था शाक्य, और उसके बाद ये मुनि बने तो वही शाक्य मुनि कहा जाने लगे, ऐसे ही ने गौतम भी कहा, गौतम बुद्ध क्यों कहा था कि इनकी जो स्टेप मदर थी जो इनका पालन पोषण करती थी बेसिकली, उनका नाम गौतमी था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, प्रेशर को मेजर करने के लिए इसमें से क्या चाहिए होगा, आसान क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, अभी ना मैं ये क्वेश्चन ही हटा रहा हूँ ये वाला, ठीक है, प्रेशर के लिए अलग से लिखते हैं वर्ड, वो है बैरोमीटर, इसको अभी छोड़ के चल रहे, ठीक है। बताइए मोरिंगा ओलिफेरा जो है ये किसका साइंटिफिक नेम, बताइए मोरिंगा ओलिफेरा किसका साइंटिफिक नेम है, कमेंट करिए। जिसको लूसेंट का महारिविजन चाहिए ना, आज शाम को 7 बजे एक बार मेरा टेलीग्राम खोल के देखना, लाइव आना शाम को 7 बजे, 1.5-2 घंटे का महारिविजन करा रहा हूं लूसेंट का, ठीक है, तो आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का आंसर है, ड्रमस्टिक इस क्वेश्चन का आंसर है, क्या है आंसर, ड्रमस्टिक इस क्वेश्चन का आंसर है। बताइए विच ऑफ दिस इज अ यूरोपियन कंट्री, इसमें से कौन सा एक यूरोपियन कंट्री, कौन सा एक यूरोपियन कंट्री है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर है, कौन सा एक यूरोपियन कंट्री है जल्दी से बताइए। चलिए तो आंसर क्या है, जैसे एक और क्वेश्चन देखिएगा,
यूरोपियन कंट्री जो है ये है बल्गेरिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा हमें ना यूरोपियन कंट्रीज हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, एक बार ही जरूर इस चीज को ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि कौन सा देश कौन सा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पक्के मिल रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ ही रहे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अष्टाध्यायी जो है ग्रामेटिकल वर्क है। ठीक है, किसका अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है, जल्दी से बताइए। लूसेंट की रिवीजन में ना बच्चा क्या है कि हम ना वैसे नहीं करने वाले कि सारे वही क्वेश्चन करा दिए जो हो ही रहते हैं। अपन लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे लूसेंट में से ना कुछ टेबल बनते हैं, लूसेंट में कुछ टेबल है, उन टेबल्स को डिस्कस करेंगे, कुछ एमसीक्यूज बनते हैं, उन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, शाम को 7 बजे एक पूरा रिविजन मारेंगे, जो सवाल लूसेंट से पक्का बनता। तो ये बहुत सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है ना वो कहते हैं कि भाई जीएस का कुछ पोर्शन ऐसा है जो लूसेंट में से पक्का आता है, और वो पोर्शन भी पता ही रहता कि ये विटामिन में से क्वेश्चन उसी में से बनता है डायरेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन हमें सारे खत्म करने हैं आज। ठीक है, चलिए अब जैसे अष्टाध्यायी की अगर मैं बात करूं तो पानानी की तरह अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 चैप्टर। ठीक है, 8 चैप्टर। एक बच्चा कह रहा है सर मोक कब है, अब मुझे जल्दी से यस लिखना, जब मैं इस क्लास के जस्ट बाद 9:30 बजे 10 मिनट का एक टेस्ट कराऊंगा, इतनी मेहनत करने के बाद एक टेस्ट करा रहा हूं आपके लिए, तो क्या उस टेस्ट में आप जुड़ेंगे? 10 मिनट का जो टेस्ट 9:30 बजे होगा, वैसे तो 9 बजे होता है, आज 9:30 बजे होगा, जुड़ेंगे सभी के सर? क्योंकि भैया अब बच्चे सोच रहे हैं 9 बज रहे हैं सर, टेस्ट का टाइम हो गया, आज टेस्ट 9:30 बजे करें, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए मेरे भाई, ये खत्म 9:30 बजे तक होंगे। ठीक है, और ये कंटेंट खत्म करना आज हमें। ठीक है, तो हम 9:30 बजे करा लें, क्या दिक्कत है, हम ही पढ़ा रहे हैं आप ही पढ़ रहे हो, कुछ नया तो होना नहीं है ना, हम ही पढ़ा रहे हैं आप ही पढ़ रहे हो, टेस्ट आप ही दोगे, हम ही करवाएंगे, 9:30 बजे कर लेंगे, क्या दिक्कत है आज, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, सोच समझ के बताना कौन सा ऑर्गेन है जो कि एक्सक्रीट करता है वेस्ट, फैट, कैटाबॉलिक वेस्ट, बताइए इसमें से कौन सा ऑर्गेन फैट और कैटाबॉलिक वेस्ट को जो एक्सक्रीट करता है, कमेंट करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, जैसे ये है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है, देखो अब ना बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि नहीं यार सर फैट तो स्किन के द्वारा होता है एक्सक्रीट, ठीक है ना, आंसर इस क्वेश्चन का किडनी है, हमारा किडनी ही, हमारा जो फैटी एसिड बढ़ता है ना, ठीक है, हमारा फैटी एसिड होना, ये सब चीजें, लीवर फैटी एसिड होना, ठीक है, ये सब रिलेटेबल है, आंसर किडनी है। ठीक है, स्किन से हमारा जो वेस्ट होता है वो वेस्ट वो होता है वो है हमारा, ठीक है, स्वेट, सिंपल सा है बस। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है, एक मैच सही है बाकी सारे गलत है, एक मैच सही है बाकी सारे गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा मैच सही है बाकी सारे गलत। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भाई देखो मैच इसमें ना आपको ना मैच भी करना आना चाहिए, जैसे ये सही है खजुराहो जो है चंदेला से बिल्कुल सही है, लेकिन एलोरा राष्ट्रकूटा होना चाहिए था यहाँ पे सही होता, ठीक है, महाबलीपुरम पल्लवास होना चाहिए था यहाँ पे सही होता, और मीनाक्षी टेम्पल साकास होना चाहिए था यहाँ पे सही होता, यानी कि चारों के चारों पता होना चाहिए सही क्या है, तो ये पैटर्नाइज किए, महाबलीपुरम पल्लवास से है, मीनाक्षी साकास से है, एलोरा राष्ट्रकूटा से है, क्वेश्चन चारों पे आ सकता, ये सिर्फ एक पे नहीं ध्यान रखना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से कौन सा स्टेट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता, चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का, कौन सा स्टेट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, आंसर के इस क्वेश्चन का, तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, बेटा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, सोचने वाली बात है यार, बांग्लादेश नीचे की तरफ है, ठीक है ना, और अरुणाचल प्रदेश ऊपर की तरफ है, तो कैसे बॉर्डर शेयर कर लेगा, है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना, मैपिंग का क्वेश्चन है। इसमें से 1857 का रिवोल्ट कहां पे नहीं हुआ था, जल्दी से बताइए, 1857 का रिवोल्ट कहां पे नहीं हुआ था, जल्दी से बताइए। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 1857 का रिवोल्ट कहां पे नहीं हुआ, तो आंसर बड़ा स्पष्ट है, ठीक है, क्या है आंसर, साउथ में नहीं हुआ था, बच्चे कह रहे हैं ईस्टर्न पंजाब,
सोचने वाली बात तो ये भी है, कुछ को लग भी रहा होगा सर यार ईस्टर्न पंजाब में तो सच में नहीं हुआ, लेकिन ईस्टर्न पंजाब कहाँ पड़ा? ध्यान रखिएगा मद्रास है, इस क्वेश्चन का आंसर साउथ में नहीं हुआ था, बाकी सारी जगह टच कर गई थी, ठीक है, दिल्ली के आसपास की सारी जगह टच कर गई थी, क्योंकि रिवोल्ट ऐसा नहीं कि कहीं से ओरिजिन हुआ वहीं पर रिवोल्ट हुआ, जहां जहां पूछ गया वो हर जगह रिवोल्ट की, लेकिन मद्रास में तो कुछ हुआ ही नहीं ना, ठीक है, समझ रहे हो। मध्य प्रदेश का प्रिंसिपल हाईकोर्ट कौन सा है बताइए, बेंच कौन सा है बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे भाई, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये जो है, ठीक है, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, सिंक होल टॉपोग्राफी से संबंधित है, लेकिन कौन सी टॉपोग्राफी से संबंधित है बताइए, सिंक होल कौन सी टॉपोग्राफी से संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सिंक होल कौन सी टॉपोग्राफी से संबंधित है? देखो सिंक होल पता है क्या है, ठीक है, सिंक होल ना जो बर्फीले इलाके होते हैं ना, जो ग्लेशियस टाइप होते हैं, वहां पे होता है सिंक होल, सिंक मतलब अंदर की तरफ होगा, ठीक है, तो ये बर्फीले इलाकों के जो केव समझ लो, गुफाएं समझ लो, उसके बीच में ना ये इस तरीके से चोंच सी बन जाती है, ठीक है, ऐसे ग्लेशियर्स के अंदर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये सिंक होल्स होते हैं, ठीक है, थेके? और ये कास्ट टोपोग्राफी में बनता है, किसमें बनता है, कास्ट टोपोग्राफी होती है जिसमें ये बनता है, ठीक है, एक बार इमेज देखोगे ना समझ आ जाएगा कास्ट टोपोग्राफी क्या है। मतलब पहला समिट सार्क का जो है कौन सी लोकेशन पे हुआ था, सार्क का सबसे पहला सबमिट कहां पे हुआ था दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सार्क का जो सबसे पहला सबमिट हुआ था वो हुआ था ढाका में, ठीक है, वो हुआ था ढाका में, सार्क का सबसे पहला सबमिट हुआ ढाका में। एक और क्वेश्चन देखिएगा, डीनेचर्ड स्पिरिट जो है जिसमें अल्कोहल किसके साथ मिक्स होता है बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, डीनेचर्ड स्पिरिट में अल्कोहल किसके साथ मिक्स होता है? चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो डीनेचर्ड स्पिरिट में अल्कोहल किसके साथ मिक्स होता है, तो आंसर इस क्वेश्चन का पायरेटिन के साथ मिक्स होता है, ठीक है, पायरेटिन के साथ मिक्स होता है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आ सकता है, ऐसे ही सेम मैंने अभी दूसरे वाला भी कराया था ना बेटा, टेलीग्राम आप ना क्या करना, देखो टेलीग्राम पे जुड़ना इसलिए जरूरी क्योंकि ये पीडीएफ बहुत लंबे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करा, तो पीडीएफ तो चाहिए, और ना टेस्ट भी करना है वो भी होगा, तो उसके लिए भी लिंक चाहिए, तो टेलीग्राम अमन सर टेस्ट बुक सर्च कर लेना आप, और उसमें एक ग्रुप आएगा, सर्च करोगे तो एक चैनल एक ग्रुप दोनों आएगा, ठीक है, तो आपको ग्रुप में भी जुड़ना है, ग्रुप में ज्यादा जरूरी जुड़ना है क्योंकि उसमें टेस्ट का लिंक आना है 9:30 बजे का आज, ठीक है, तो ग्रुप सर्च करो, 1,27,000 को सब्सक्राइब उसमें जुड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर ये है बताइएगा, एंटी सेलेक्टिव विटामिन कौन सा है, यही सेम विटामिन जो है ना इसको टोकोफेरोल कहते हैं, टोकोफेरोल कहते हैं, मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि भैया टोकोफेरोल कहते हैं और एंटी सेलेक्टिव विटामिन है, विटामिन कौन सा है बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने हिंट भी दे दिया आपको, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, टोकोफेरोल कहते हैं, तो आंसर बताइए कौन सा होगा एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर है विटामिन क्या, विटामिन ई, इसका दूसरा नाम है विटामिन ई का टोकोफेरोल, ऐसे क्लोटिंग से संबंधित के है ई को विटामिन, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, विटामिन डी अलग ही हो गया, विटामिन ए रेटिनोल है, ये आसान क्वेश्चन है आता है, लेकिन चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, सेंट पोल को कहां पे बिहेड किया गया था बताया गया, सेंट पोल वाज बिहेडेड हुए, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, सेंट पोल को कहां पे बिहेड किया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे भाइयों, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या, कमेंट करिए। सर जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है सिटी ऑफ सेवन हिल्स रोम, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे खरीफ क्रॉप का सीजन है वो क्या है, देखो खरीफ क्रॉप ना एक पर्टिकुलर सीजन में उगाई जाती है, और वो पर्टिकुलर सीजन कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा सभी के सब, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर, इधर 200 बच्चे देख रहे हैं, 200 के आसपास लमसम देखते हैं,
और टेस्ट में भी सेम इतने ही रहते हैं ना, तो माहौल बनता है कि भाई टेस्ट की स्पीड बढ़ी है, ठीक है, टेस्ट की स्पीड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपके साथ कंपटीशन बढ़ेगा। और वही कंपटीशन मैं देखना चाहता हूँ, जिस दिन आपको फील हो गया ना कि यार हाँ क्लास के बाद टेस्ट जरूरी है, उस दिन आप ना जी के निकाल दोगे, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और बहुत बच्चों को इतना फील है कि बच्चे कुछ भी करेंगे लेकिन टेस्ट जरूर करते हैं, और ये प्रैक्टिस होती है, ऑटोमेटिकली करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। जून से सितंबर, अभी ये महीना चल रहा है खरीफ का, ये हो गया क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज का जो अमेंडमेंट एक्ट है वो कौन सा है, जल्दी से बताइए। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज का जो अमेंडमेंट एक्ट है वो कौन सा है, कि मतलब कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट में डाला गया, ठीक है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को किस में डाला गया, फंडामेंटल राइट्स में डाला गया, ठीक है, बताइए आंसर के इस क्वेश्चन का, है ना। तो भाई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट में जो है, फंडामेंटल राइट में बेसिकली आपसे पूछना है आर्टिकल 19 में डाला गया, ठीक है, 97 अमेंडमेंट 2011। बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट के कौन से जजमेंट में देखने को मिला, बेसिक स्ट्रक्चर का। एक बच्चा वर्ल्ड है, कह रहा सर फास्ट कराइए। मेरे भाई वर्ल्ड सुबह 6:30 बजे लगा था पढ़ाने, और 9:11 हो रहे हैं, और विदाउट 5 मिनट के गैप के मैं आपको इसी एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी तुम कह रहे यार कि फास्ट पढ़ाइए। कितने क्वेश्चन करा रहे हो, गिनती नहीं है भाई, इसलिए गिनती करते भी नहीं है ना। ऐसे मत कहा करो यार, देखो हम फास्ट कराए, हमें भी पता है जितना कराना है, कितनी कोशिश करते हैं दोबारे ले, तुम फिर भी ऐसे बोलते हो फास्ट कराइए, है ना। आप देख रहे हो सिर्फ, मैं सुबह 6:30 बजे से बोल रहा हूँ, पूरा 4 बोतलें खत्म कर चुका हूँ पानी की, समझ रहे हो, फिर भी तुम ऐसे लिखते हो फास्ट सर पी लेता हूँ पानी। आंसर है केशवनंदा भारती केस है। देखो बेसिक स्ट्रक्चर में एक आगे कि भैया हाँ कुछ पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कभी बदला नहीं जा सकता। एग्जाम्पल है कि भाई फेडरलिज्म नहीं, जस्ट सेकुलरिज्म हो गया एग्जाम्पल। केशवनंदा भारती केस में कहा गया था राज्यसभा में टोटल अभी करंट मेंबर कितने हैं, जल्दी से बताइए। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, देखो करंट है 245, होने 250 चाहिए जिसमें से 12 होते हैं नॉमिनेटेड, 245 ऑप्शन में दे रखा है। आईबीसी की अगर बात, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आईबीसी में एक बहुत फेमस स्ट्रक्चर देखने को मिला, और वो स्ट्रक्चर मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला, वो स्ट्रक्चर बोन्स का बना हुआ, बताइए कौन सा स्ट्रक्चर है। मैंने दो चीजें बताई है, दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने आपको दो चीजें बताई है दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है, कि वो स्ट्रक्चर ब्रोंज का बना हुआ है, वो स्ट्रक्चर मोहनजोदाड़ो में देखने का मिला, और वो स्ट्रक्चर है डांसिंग गर्ल, ठीक है ना। तक धिना धिन था आंसर क्या इस क्वेश्चन का, बताइएगा, बताइए गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पे हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पे हुआ, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जैसे ये क्वेश्चन गुरु नानक देव जी का जन्म नानकाना साहिब लिखा ऑप्शन में, आसान क्वेश्चन है वैसे ये। तो न्यूट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन जो है उसको स्लो डाउन करने के लिए क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन अभी हुआ है, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, आंसर क्या है जल्दी से बताइए। चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन स्लो डाउन करते होते हैं कैसे, ठीक है, मॉडरेटर को यूज करके, मॉडरेटर के बहुत उदाहरण है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, पहला स्टेट जिसको स्पेशल एग्रीकल्चर जोन जिसने घोषित किया था, अपना मतलब हमारे भारत में स्पेशल एग्रीकल्चर जोन जो है इसी स्टेट ने सबसे पहले घोषित किया था, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि हमारे भारत में सबसे पहले स्पेशल एग्रीकल्चर जोन किसने घोषित किया था, तो आंसर इस क्वेश्चन का उत्तराखंड, ठीक है। फूड डिस्कवर टेलीविजन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, टेलीविजन का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है टेलीविजन का डिस्कवरी जो है जॉन बैरेट के द्वारा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करें, प्राइम मिनिस्टर की रिटायरमेंट एज क्या होती है, बड़ी बेसिक सी बात है यार, मोदी जी जब तक चाहे तब तक रहे, लेकिन लोगों का मत होना चाहिए साथ में, है ना, कार्य ऐसे होने चाहिए कि लोग उनका सपोर्ट करें, ठीक है, जब तक करेंगे तब तक होंगे, है
है ना, जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन नहीं होंगे, ठीक है, सप्ताह में। आंसर है इस क्वेश्चन का, देयर इज नो लिमिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिटायरमेंट एज, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखिए, अराइव हो गया क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने वाली पहली महिला का नाम बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाली पहली महिला का नाम जल्दी से बताइएगा। माहौल कंटिन्यू रहना चाहिए, अभी 15-20 मिनट और पढ़ना है, और इसी 15 मिनट के जो ये माहौल बना हुआ है ना, इसी में अगर आप कर जाओगे तो आदत बन जाएगी, और वही माहौल आदत बनने के बाद आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, पहली जरूरी चीज होती है तैयारी के लिए माहौल बनाओ कि भैया पढ़ना है, कुर्सी उर्सी अच्छे से सेट करके बैठो कि भैया पढ़ना ही पढ़ना है, उठना ही नहीं है यहाँ से। माहौल बन गया 2-4 दिन में, फिर आदत बन जाएगी, पढ़ना है सुबह 8 बजे, और जब आदत बन जाएगी उसका रिजल्ट आप पेपर में देखोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। बेड पे बैठ के लेट के पढ़ोगे आराम से तो वो माहौल नहीं बन रहा, वो माहौल बन रहा है दूसरे वाला, समझ रहे हो। जूनको 23 क्वेश्चन का आंसर है, 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन के इनोग्रेशन की डेट के लिए क्यों चुना गया, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। के चलिए, हमें नसीब नहीं हुए तुम्हारे वापस चले गए, समझ रहे हो। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 26 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो अभी भैया देखो 15 अगस्त 26 जनवरी ये बड़ी बेसिक चीजें होगी है कि इस दिन क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस डे घोषित किया गया था 1930 में, ग्रेफाइट को न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तरीके से यूज किया था, ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया। न्यूट्रॉन की स्पीड तो कम करनी हुई, और वो स्पीड कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताइएगा। चलो अब देखो, मैं 10 मिनट बाद पेपर कराने वाला हूं, 10 मिनट का ही होगा, ऑलमोस्ट डन है, सुबह 8 बजे लेक्चर स्टार्ट होता है, कौन कौन आने वाला है 10 मिनट बाद, फोल्ड देगा 10 मिनट का चैलेंज होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन 10 मिनट में खत्म करने हैं, और आपको 20 प्लस लाने की कोशिश करनी है पूरी। कौन कौन चैलेंज के लिए तैयार है, 9:30 बजे के चैलेंज के लिए, यस लिख दो, ये ऑलमोस्ट क्लास होगी है, डेली सुबह 8 बजे क्लास होती है, अब यस लिख दो जो 9:30 बजे के चैलेंज के लिए तैयार है, जो मतलब माइंड में है कि यार हाँ आज आप सबके साथ कम्पीट करके देख लो, आप जितने बच्चे इधर देख रहे हो आप सारे बच्चे आप टेस्ट में देखोगे, ये बच्चे टेस्ट में होते हैं कम्पीट करने के लिए, और हर बच्चा करता है, जब भी ये क्लास खत्म होती है उसके जस्ट बाद टेस्ट होता है 10 मिनट बाद, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मॉडरेट है। अब हमने 10 मिनट बाद मिलेंगे, मिलना कैसे ये भी समझ लो, जरूरी है ये समझना भी, भैया कैसे जुड़ना कैसे, ठीक है। तरीका क्या है, टेलीग्राम सर्च करो अमन सर टेस्ट बुक, जब आप टेलीग्राम सर्च करोगे ना तो आपको ना सर्च करने पर ना दो चीजें मिलेंगी, एक चैनल मिलेगा 4000 सब्सक्राइबर, एक ग्रुप मिलेगा 1,27,000 सब्सक्राइबर। आपको टेस्ट के लिए ग्रुप में 100% जुड़ना है, क्योंकि जो लिंक टेस्ट का आएगा वो ग्रुप में आएगा, पीडीएफ आपको मैं दोनों में डाल दूंगा, लेकिन ग्रुप में जरूर जुड़ना, 1,27,000 सब्सक्राइबर। सर्च करो पहले अमन सर टेस्ट बुक और जुड़ो सभी के सभी, जो बच्चा नहीं जुड़ रहा वो क्लास को वेस्ट कर दिया इस वाली क्लास को, जो टेस्ट में जुड़ रहा, क्योंकि ये 40 दिन हो गए इस क्लास को कराते हो, 40 दिन हो गए टेस्ट कराते हो, जब क्लास होती है उसके जस्ट बाद टेस्ट होता है, और सुबह 8 बजे आओगे तो आपको ये क्लास 100% मिलेगी, और कल से चैप्टर वाइज मिलेगी। आपने जो बात करी है वो मैंने भी फिक्स कर दिया कि टेस्ट, ये जो क्लास है सुबह 8 बजे वाली, मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा, और टेस्ट आपको उसके बाद देना पड़ेगा। तो अभी टेस्ट 9:30 बजे हो रहा है, टेलीग्राम अमन सर टेस्ट बुक सर्च कर लो, ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। ग्रुप में आपको जो है टेस्ट मिलेगा, 1,27,000 सब्सक्राइबर है, देख लेना, ठीक है, मिलते हैं, ठीक है। 10 मिनट बाद टेस्ट है, 10 मिनट का ही होगा, चैलेंज बता दिया, 10 मिनट बाद होगा, 9:30 बजे टेस्ट, ठीक है। क्योंकि आपका ये ऑफर चल रहा है इसलिए बता रहा हूं कि देखो मैं हमेशा चाहता हूं बच्चे को फायदा हो, और वो फायदा कैसे मिलेगा, जब आप किसी फेस्टिवल्स के समय में ऑफर गेन करेंगे। फीस हमेशा 4000 के आसपास होती है, आज फीस 2700 है, प्लस 6 महीने के साथ 3 महीने एक्स्ट्रा, यानी कि 9 महीने भी मिल रहे हैं आपको पढ़ने का, और सारा मिलेगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब मिलेगा। तो ये आपको ना इस कोड अमनदीप से मिलने वाला है, ध्यान रखना, आप इस कोड अमनदीप को यूज करके एक्सेस करो इसको। अभी टेस्ट तो होना ही है, मैं टेस्ट के बाद पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन आपको ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना टेस्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर मिल रही है, ये जैसे आपने टेस्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप खोली, ठीक है,
इसमें आप जेई वाले में चले जाओ, सीधा जेई वाले में चले जाओ, क्योंकि अभी इस जेई वाले में डायरेक्ट ऑफर है, ठीक है, या ऊपर वाले लिंक में। ये जो है ना, ये जो ऑफर है ये अब जो है ना अपडेट हो रहा है, ठीक है, और ये अपडेट हो गया ना, रक्षाबंधन ऑफर मिलने वाला है इसमें, ठीक है। तो आपको इसके लिए एक कोड यूज कर रहा है अमनदीप, और इसको यूटिलाइज करना, ठीक है, अमनदीप कोड से इसे यूटिलाइज करना, ठीक है। सभी के सभी टेलीग्राम ज्वाइन करो, 10 मिनट में पेपर स्टार्ट करा रहा हूँ, 10 मिनट में माहौल बनना चाहिए पेपर का, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, सुबह 8 बजे डेली आइए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।